the time that Lord has given me to spend with all the friends who joined in this evening Zoom meeting. मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मुझे ये सुंदर मौका देने के लिए और संतों के साथ जुड़ने के लिए. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. I would like to talk about things which are recorded in the book of Hebrews. मैं आपके साथ इब्रानी का किताब से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ. I want to take one word from the book of Hebrews. इब्रानी का पत्री chapter 10 verse 26 if anyone can help me in अध्याय 10 और 26 पद को हम पढ़ेंगे. इब्रानियों का पत्री अध्याय 10 और 26 पद. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं. यस वी सी इफ वी सिन विलफुली एंड व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दैट वी कैन सी हियर. और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जानबूझ के जो पाप करते हैं उसका नतीजा क्या होगा. नोइंगली इफ यू डू देन वी सी the consequence for the mistake what we have seen what we do. और जानबूझकर करने का पाप करने का नतीजा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं. So if we do, if we sin willfully, there will be a judgment for that. In we see here in verse 27. और इसी अध्याय का 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा जानबूझकर पाप जो करते हैं उनके ऊपर दंड होगा. Once we were saved by the grace of our Lord Jesus Christ, since then we have been under the hands, mighty hands of the Lord, and keeping us under His mighty hands. और जब हमारा उद्धार हुआ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से तब हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रखे गए. एंड सिंस वी एक्सेप्टेड आवर लॉर्ड एंड सेवियर एज आवर लॉर्ड एंड एज आवर लॉर्ड सिंस दैट डे ऑनवर्ड्स लॉर्ड एक्सपेक्ट्स अस दैट वी लिव फॉर हिम टिल आवर लास्ट ब्रेथ. और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारा तो वो अपेक्षा रखता है कि आखिरी सांस तक हम उसका आज्ञा पालन करें. So we see here years are passing, months are passing, days are passing. So when we are continuing our life with him, so he always expects us that we should do great things for him. और दिन जैसे बीता जा रहा है साल महीना दिन बीता जा रहा है तो परमेश्वर अपेक्षा रखता है कि हम उसके लिए कुछ करें, उसके लिए जिए. So he wants us that we should live for his glory all the days of our life. और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए अपना जीवन को जिए. That's what we see from the beginning of the book Genesis to Revelation. The whole Bible says about that we should live for God who saved us and who redeemed us from the bondage of sin. और यही बात हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग पढ़ सकते कि परमेश्वर चाहता है कि हम सृष्टिकर्ता के लिए जिए. From the beginning, see in the book of Genesis and Exodus, we see he expects his people that they should live for him and glorify him till all the days of their life.
और वही बात हम लोग उत्पत्ति और निर्गमन की किताब में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को जिनको उन्होंने बचाया वो लोग उसके लिए उसका आज्ञा पालन करे और उसके लिए जिए। He chosen people of Israel and he separated them for his glory and he expect them that they would live for his glory all the days of their life. और जब परमेश्वर ने इसराइली लोगों को चुना और उनको मिस्र देश से छुड़ाया तो परमेश्वर चाह रहा था कि ये इसराइली लोग उसके लिए जिए और पवित्र जीवन अलग किस्म के लोग बनकर इस दुनिया में उसकी महिमा के लिए जिए। At the same time we see the church also separated for him and members in the church should live for his glory. That is the desire of the Lord, who is the creator of this universe. और उसी प्रकार नया नियम में भी संतों को परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके लिए जिए। परमेश्वर ने हमको इस कारण मंडली में, चर्च में या कलीसिया में रखा। इधर इज़राइल और चर्च और बिलीवर एंड प्रेजेंट डेज हु आर सेपरेटेड बाय गॉड दे शुड live as a separated life. That's what the desire, the intention of God Almighty. एक विश्वासी हो या चर्च हो, परमेश्वर चाहता है कि ये लोग जो चुने हुए हैं, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जिए। He wants, he expects about Israel that they should live for His glory. In their lifetime. और जो समय परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर देता है, जिंदा रखता है, ये सारा सारा दिन जो है उसके लिए हम लोग जीना चाहिए। So that's what the desire of our God who saved us and given us the right to become His children. और जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया, उसका उनके संतान बनने का जो अधिकार उन्होंने हमको दिया, वो यही चाहता है हमारे जीवन से। Like to see, that's what he has. If we do mistake in our continuous life means in a life of a believer, willfully, so there will be some hurting, we are hurting the heart of our Lord. और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, एक विश्वासी अगर लगातार पाप में करता जाएगा तो उसके ऊपर दंड आएगा और हम प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचा रहे। If he or she does willfully does sin willfully, so there will be a judgment, of course. But before that, God will be grieved like anything about that she or he. और दंड तो जरूर होगा, लेकिन हम हमारा प्रभु को दुख पहुंचाएगा। We see here book of Genesis chapter 6 verse 8. और अगर उत्पत्ति का छठा अध्याय और आठ पद को अगर हम पढ़ेंगे, 6 verse 8, now found grace in the eyes of the Lord. 9 also, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfecting his junior generations. Noah walked with God. उत्पत्ति 6:8-9 हम पढ़ेंगे, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। God testifying about Noah and about his life, his perfect life.
यहाँ परमेश्वर साक्ष्य दे रहा है कि नूह एक खरा सच्चा व्यक्ति था। So such a great life he lived for God's glory. That's what the Lord said. He found grace in His sight. और परमेश्वर के दृष्टि में वो अनुग्रह पाया, ऐसा परमेश्वर खुद नूह के बारे में कहता है। Why did he got found grace in the sight of the Lord? We see here he was the person who did whatever God wants him to do. और वो अनुग्रह क्यों पाया? क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष था। यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़ा और सात अध्याय और एक पद में भी ऐसा ही लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी पर अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। You are righteous before me. I'm so happy of your life, your character. और परमेश्वर ये धार्मिक व्यक्ति के जीवन से संतुष्ट था, खुश था। Because Lord is telling that whatever I am expecting you to do, you are doing. So I am so happy of your works and your life. और जो कुछ परमेश्वर चाह रहा था, जो अपेक्षा रखा था, वही नूह भी अपने जीवन के माध्यम से दिखा रहा था और कर रहा था। So he pleased God in his lifetime. और अपने समय, अपने जीवन में नूह ने परमेश्वर को खुश किया। So Lord was so happy of the life of Noah. When he asked him to do, and he did whatever he God wants to do. तो इस प्रकार से नूह के जीवन से परमेश्वर संतुष्ट और खुश था, और जो कुछ परमेश्वर चाह रहा था, वही नूह ने अपने जीवन में किया। When we come to the chapter 9 of Genesis, book of Genesis, जब हम नवा अध्याय में आते हैं उत्पत्ति का, 9:20, could you please see that? नवा अध्याय और 20 पद में ऐसा लिखा है, और नूह किसानी करने लगा और उसने दांग की वाटिका लगाई। और ये 20 और 21 पद में या नू क्या करता है? 21 पद ऐसा लिखा है, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। Yes, that's what we see the mistake in the life of Noah. तो यहाँ पर नूह का पाप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। He drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. और जैसे हमने पढ़ा कि ये पाप दाख मधु पीने के वजह से वो क्या कर रहा है, वो सबके सामने शर्मिंदा हुआ, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। Once Lord was so happy of the life of Noah, but when the days were passing, we see suddenly there was a tragedy happened in the life of Noah. और परमेश्वर नूह के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन जैसे समय बीतता गया, हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पाप उसके जीवन में आ गया। So, did Lord happy of the thing what he did here? तो क्या परमेश्वर खुश था ये इस पाप के साथ?
when he was so good, he was so happy. But when the situation is different here, he felt so miserable of the life of the situation of Noah. और हम लोग ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ना खुश था इस बर्ताव की वजह से. He knew about God Almighty. He is the Holy One. He called me and he asked me to do make an ark for him and for his family. And he knew about the Holy God and his righteousness and is such a great. But when they saw pastor, we see that there was a very horrible thing happening in his life. और लोगों को सब कुछ पता था कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर क्या चाहता है जीवन से. उसने परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का पालन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पढ़ रहे कि वो पाप में गिर गया. God did not happy of the situation which happened in the life of Noah here. और परमेश्वर ना खुश था इस बर्ताव की वजह से. Of course, there will be a judgment, but before that, he hurt the heart of Lord Almighty, who separated him for his glory. और इस प्रकार उसके पाप की वजह से उसने परमेश्वर को दुख पहुंचाया. Like that, we see here book of First Samuel chapter 17. We see. पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 43 और वर्स 43 वर्स 43 ठीक है 43 वर्स को हम पढ़ेंगे. तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या तू कुत्ता हूँ कि मैं क्या मैं कुत्ता हूँ कि मैं तू लाठी लेकर मेरे पास आता है. तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने गया. Here we see the person Goliath was talking against David. अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ते कि ये पलिश्ती आदमी दाऊद के विरुद्ध में बात कर रहा है. So he was challenging David for the against him. और वो ये फलिस्ती आदमी जो है दाऊद को अपने साथ लड़ाई करने के लिए चैलेंज कर रहा है. He spoke lot of things against David. और दाऊद के विरुद्ध में उन्होंने बहुत सारे खराब बात बोले. He said in 43 what he said here. I will. I am. Yeah, my what? Here we see, brother. What 43? Am I a dog that you come to me with sticks? Okay. So here, a lot of words against. He spoke lot of words. He spoke against David. ऐसे बातें उन्होंने दाऊद के विरुद्ध में बोला. 44 and the Philistines said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field." और 44 पद में वो फिलिस्ती ऐसा भी कहता है कि मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं के को दे दूंगा. God did not bother for this fellow talk. परमेश्वर ने ये फलिस्ती आदमी का बात को बुरा नहीं लगा. He did not bother for his talk, but he bothered when David did mistakes. लेकिन दाऊद ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने उस पाप को याद किया. But he did not worry of the talk what
फिलिस्तीन गोलियात टॉक। और जब फिलिस्ती ने ऐसे खराब बातें बोले तब परमेश्वर ने कुछ मन में नहीं रखा, लेकिन जब दाऊद ने कुछ बोला तब उन बातों को परमेश्वर ने याद किया। But that year, he did not worried about this Philistine talk, but he worried when David did sin. परमेश्वर को चिंता नहीं हुआ कि फलिस्ती इस प्रकार के बातें बोल रहे, लेकिन जब दाऊद ने पाप किया तब परमेश्वर को दुख लगा। Because David, David we see that he was such a great person in the sight of the Lord. क्योंकि हम लोग पढ़ते कि दाऊद बहुत ही महान व्यक्ति था परमेश्वर की दृष्टि में। From his childhood, he wants to glorify God. That is what we see the attitude of David. और दाविद जब छोटा था तब से ही वो परमेश्वर को महिमा देना चाह रहा था अपने जीवन से। David said that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. दाऊद ने बोला था कि मैं परमेश्वर के घर में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। I want to live in the house of the Lord. मैं परमेश्वर till my end. मतलब वो मरने तक परमेश्वर के घर पर रहना चाहता था। Such a great spiritual activities we see in the life of David. और इस प्रकार से महान कार्य उसके जीवन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। But when he did sin, it got so worried, and he was hurt. He was unhappy of the thing, the situation happened in the life of David here. लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, तो उसने उन्होंने परमेश्वर को बहुत दुख दिया। Once he was so great, once he was so spiritual, once he was such a great in the sight of the Lord, as Noah found grace in the sight of the Lord, he also can say that he also found grace in the sight of the Lord. और जैसे नो ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, वैसे दाऊद भी बोल सकता था कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। But when he did that mistake, but God did not tolerate that. He was so worried about that thing which he did. लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर को इस बात से बहुत ही दुख लगा। When we come to the book of we come to Exodus chapter 40 निर्गमन का 40 अध्याय को जब हम देखते हैं, Exodus chapter 40, 16 और उसका 16 पद, निर्गमन 40 और 16, और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। And also I request you to read verse 33 और 33 पद में भी हम पढ़ते हैं, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। Yes, Moses also did whatever God wants him to do. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मूसा ने जो परमेश्वर चाह रहा था उन्होंने किया। And then Moses, according to all that the Lord had commanded him, he did all perfectly. और परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया था वो सारे चीजों को उन्होंने समाप्त किया। But
So God was so happy of the life of Moses here. और इसलिए परमेश्वर बहुत ही खुश था मूसा के जीवन से. Because the life with Moses has so good in the sight of the Lord here. और जो कुछ परमेश्वर ने उसको बोला था उसने किया था इसलिए परमेश्वर बहुत ही खुश था. But when we come to the 20, Numbers 20. लेकिन हम गिनती और उसका 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं गिनती का किताब 20:10 20 अध्याय और 10 पद ऐसा लिखा है, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया. तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? Yes. What Moses did here? तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मूसा ने क्या किया यहाँ पर? His talk is different here. He cursed the people of Israel here. यहाँ पर, sorry. Such an evil word he used here. मूसा ने यहाँ पर इसराइली लोगों के विरुद्ध में उन्होंने बोला. एक बात, he spoke against God. One did not expect that he should speak like that, but he spoke. It was so. Grieving. गॉड ऑलमाइटी. ये इसराइली लोगों को ऐसा उन्होंने बोला, दंगा करने वालों, तो ये बात बोलना नहीं चाहिए था और इस कारण उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया. God did not expect, he might have not expected that he would speak like this, because we see Moses was so meek in all the generations. We see the 12 or 7 it is written. और मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो सारे लोगों में से सबसे नम्र व्यक्ति था, और ये नम्र व्यक्ति के मुंह से ऐसा गुस्सा निकलना उचित नहीं था. Did God happy of what Moses spoke here? तो क्या परमेश्वर खुश था मूसा के व्यवहार से? Of course, judgment is there, but before that, God was not happy of what this Moses did here. हाँ, बात सच है कि मूसा के ऊपर दंड होगा, लेकिन इस दंड के पीछे परमेश्वर खुश नहीं था. Of course, yes, judgment is there, but of course, judgment may be there, but before that, his life was not giving happy to the heart of Lord Almighty. और उसके जीवन के वजह से वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहा था. दंड तो उसके ऊपर होने वाला था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जो है, मतलब वो दुख पहुंचा रहा था. But when Moses did this mistake, he was he bothered, God bothered. He said that you might have thought that Moses also can speak like this. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर को दुख पहुंचाने की वजह से परमेश्वर अभी सोचने लगा कि क्या ये मूसा भी इस प्रकार का पाप कर सकता है. And also did God also might have thought about Noah. Noah can could Noah do this thing what I could not bear, because Noah was I was so happy of his life, but he might have thought that whether is Noah can do this thing. और परमेश्वर
नूह के जीवन से बहुत ही खुश था, लेकिन परमेश्वर सोचा होगा कि क्या नूह इस प्रकार का पाप भी कर सकता है। Because he was such a great in the sight of the Lord, he lived like anything for God's glory, and he did whatever God wants him to do. But through this life, so grateful for God. But when he did, but God might have said that is in Noah do like this. और बात सच है कि नूह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, परमेश्वर को खुश किया था, लेकिन इस पाप की वजह से परमेश्वर के मन में ये विचार आया होगा कि क्या नूह इस प्रकार का पाप कर सकता है। At the same way that he might have thought about David also, David from his childhood he was so great for God's glory, but regarding David also God might have thought, did Noah also do such a thing against me which I not expected? और दाविद के बारे में भी परमेश्वर ने यही बात सोचा होगा कि दाविद भी क्या मेरे विरोध में इस प्रकार का पाप कर सकता है। See, regarding Noah, maybe David or Moses, they lived for God's glory. They lived like anything for God's glory. But in their life, we see in some situations are different or against God. और वो चाहे वो मूसा हो, नूह हो या दाविद हो, हर एक के जीवन में हम लोग पाप देख सकते हैं। But so God did not expect that they would do like that, but they did. So it was so horrible thing in the sight of the Lord. परमेश्वर का ये अपेक्षा था कि हम पाप ना करें, लेकिन इस प्रकार से पाप करने से हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। God did not bother what he will talk the Goliath talk, but he bothered about David and his mistake. परमेश्वर को चिंता नहीं हुआ जब गोलियाथ ने खराब बातें बोले परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर ने उन बातों का ख्याल नहीं किया, लेकिन जब दाविद ने पाप किया तब परमेश्वर को दुख लगा। When the in the time of Noah also there were many lakhs of people. They spoke against God, but God did not bother for their talk, but he bothered for Noah's mistake. नूह के समय में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में जरूर बोला होगा, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों का ख्याल नहीं किया, लेकिन नूह का पाप को परमेश्वर ने याद किया। In the life of Moses also, there were many lakhs of Israel were there surrounding him, but they also talk against Moses, against God also, but they did not worried about those people, but he worried after Moses mistake there. और इसराइली लोगों ने भी बहुत बार परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया होगा मूसा के समय में, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को नहीं सुना, लेकिन मूसा ने जब कुछ गलत बोला तब परमेश्वर ने उस गलत बात को याद किया। Here once, but the people were surrounding us who did not believe Lord as a personal savior, who don't know about his is God, is personality, his duty. He will not bother for them, but he will bother. He will worry about us, about you and me. If we do mistake, because we are separated ones, if we do mistake in our life, God will worry like anything. प्रियजन, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर अन्य जाति के लोगों के पाप के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो संत लोग हैं, जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर को दुख लगता है। But others also will look at us and they also will
think if we do mistake, and they may say that, oh, this person also can speak like this. He is a saved one, and he is a believer. He also can speak like that. He also can do like that. He also can. They may others say may say that I did not expect. We did not expect that this person will do like that. But our neighbors and the people who are surrounding us also will look at and will say. और अगर एक विश्वासी पाप करेगा तो अन्य जाति के लोग सोचने लगेंगे कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ फर्क नहीं है, वो विश्वासी हो या अविश्वासी, उनके बीच में कोई अंतर है ही नहीं है। हमारे पड़ोसी लोग भी वही कहेंगे कि ये मसीह का आदमी कैसा व्यक्ति है, वैसा जैसा अन्य जाति के लोग वैसा ही ये भी है। So that's what I want to say. We have to live for Lord's glory all the days of our life when years are passing. So the Lord is giving such an opportunity for us to enter this 2022 and spend time with Him. So we have to dedicate our life not to do willfully mistakes, but we have to glorify our God Almighty. और ये बात हम लोग याद करेंगे, परमेश्वर ने हम सबको एक नया साल दिया ताकि हम इस साल को उसके लिए हम जिएंगे। He will not bother for the heathen, but he will bother for a believer. So believer, he does not act as a believer. He will bother, but he will not bother. Do not worry about heathen. परमेश्वर अन्य जाति के पाप को इतना मन नहीं लगाएगा, लेकिन जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका पापों को याद करता है। Sorry, brother, you broke up. Can you repeat that, please? That's what I want to say, that God always wants us that we should live for His glory all the days of our life. Okay, तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा सारा जीवन उसके महिमा के लिए जिए। Whatever we talk, that should be the talk should be according to God's word. Whatever we see, so we have to see according to God's word. However we live, it should be according to God's word. So all our Christian life, our believer, as a believer, we have to glorify our God, not to happen any mistake in our life. और हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारा चाल चलन, इन सारे बातों को परमेश्वर नजर रख रहा है, और उन बातों से हम परमेश्वर को खुश करना बहुत जरूरी है। So let us have a life with Him continuously, so that our Lord can be glorified throughout our life. और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन भर होनी चाहिए। Thank you very much for the time you have given. Yes, I'm